Hi everyone, welcome to Easy Competitive Classes. So in this particular lecture we will discuss Vision IS monthly magazine. Okay, so that is your December month magazine rahibo to already year hoche amar polity and governance section je roichi taro already ame part 1 part 2 cover up kari deichu. Okay, ta sahito sahito तुमर जो नवंबर मथर भी किसी किसी इंपोर्टां आइदर इकोनोमी सेक्शन हो आइदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन हो कि तुम एनवायरमेंटल सेक्शन हो तो यह सबूर आम डिस्कस करूँ जो जो मैंने इच्छुक अच्छे से सब जाए प्ले लिस्ट रू देखिपर ओके तो ये पर्टिकुलरली तुम पार्ट थर्ड रैट इज रुचि आम डिस्कस करूँ ओके सो विथाउट वेस्टिंग टाइम ले स्टार्ट ये देख ये पर्टिकुलरली ये गोटे तुम आँ ना दैट इज रोच चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिशनर्स एक्ट हो 2023 ये कथा तुम आसी गोटे न्यूज़ रे ओके तो दैट इज रोच पर्टिकुलरली आम देखा जेहेतु आम ये हूँ कौन इलेक्शन इयर रो तो डेफिनेटली ये हूँ तुम क्वेश्चन भी चानसेस अच्छे आसवर रईट तो न्यूज़ कौन थी जिनस दि जाइए देख ना द प्रेसीडेट गेव हर आसेंट टू दि चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशन अपॉइंटमेंट ए कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 तो आसेंट कर ठीक अच्छे ओके ये कथा कह क्वेश्चन कौन रही ना दैट पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर आम जो बिल देखुचे तो ये पर्टिकुलर बिल को प्रीवियसली बिल जो था रिप्लेस कर पचार क्वेश्चन ओके डायरेक्ट क्वेश्चन रोक तो सिंपल हूँ ये रिप्लेस करो बिल को ना दैट इज रही पूर्व जो था तुम इलेक्शन कमिशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिशनर एंड दैट इज रोचे ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 रूल को ओके तो आइदर योर वाइज भी पचारि देव ना डायरेक्टली भी तुम ये लिखाही थोड़ा ओके तो ये सिंपली हूँ रिप्लेस कर तो देखा यार रोच मानने एमटा कौन अच्छे बिल रिंपल तापर आम बुझा तो देख एम कौन रोचे एम हूँ ये पर्टिकुलरली जिनसटा जब देखिए जो पर्टिकुलर बिल ये कौन कर ना रेगुलेट करो जिनस को रेगुलेट कर आइदर अपॉइंटमेंट हो कि कह सर्विस कंडीशन दैट इज रही कंडीशन ऑफ सर्विस है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशनर एंड अदर इलेक्शन कमिशनर्स डेफिनेटली ये कथा ओके आउ ये गोटे जो बिजनेस के भाया मानते ट्रांजेक्शन के भाया रोक बिजनेस प्रोसीडियर को देख तुम रोचे जब देखा पर्टिकुलर बिल कथा कहुच्छे ओके तो ये एत इम्पोर्टेंट नहीं कितना इम्पोर्टेंट हूँ ये दुईटा जिनस तुम देख दैट इज रही गोटे कौन सिलेक्शन कमिटी आउ गोटे तुम सर्च कमिटी तो ये स्क्रीन देखिपर थो दुईटा जिनस तो डायरेक्टली पचरा जाइपे ओके आउ बेसिक बेसिक जो गुड़ा क्वेश्चन तुम जो भाया ओपीएससी ओएस एग्जाम तुम प्रिवियसली जो देखी थो डायरेक्टली भी तुम क्वेश्चन आसी इलेक्शन कथा हूँ तुम कन्स्टिट्यूशन कौ आर्टिकल मेनसन विभिन्न प्रकार जिनस अच्छे रिगार्ड मानते इलेक्शन कमिशन रिगार्डेड ठीक अच्छे तो दैट इज रही 324 ये सब जाच ओके किंतु पर्टिकुलर जो ईयर पर इंपोर्टेंट कौटा हो दैट इज रही दुईटा पॉइंट आसीज सिलेक्शन कमिटी एंड हूँ सर्च कमिटी भेरी भेरी इंपोर्टेंट तो नाम रे ही दुईटा जिनस जना पड़ जाए ओके सर्च इन द सेन्स सर्च कमिटी हेले कौन ना सर्च कमिटी एटा जे सी हूँ कि सर्च सर्च को मैंने कौन खोज ना ठीक तो खोज कौ क्या खोज ना चीफ इलेक्शनर को सी वन टाइप ऑफ खोज बुझे माने हूँ से एफर्ट लगे सपोज ये प्रिफरेन्स वन टू थ्री फोर ये भाया किसी जन हो तुम प्रविधान धर जाऊ सुइटेबुल लगे बुझे सर्च कमिटी लगे जो ये पाँच जन कि हाँ ये पर्टिकुलर पाँच जन तुम हूँ योग्य अच्छा इलेक्शन मानने दैट इज हो चीफ इलेक्शन कमिशनर होगापी तो यही पाँच जन का ना को सी हूँ क्या देवे ना ये सिलेक्शन कमिटी को तुम देवे तो एम ये हूँ पाँच जन का भितर जनक को से बाछबे ये हूँ सिंपल थी थीम बुझे हुचे? तो ये हूँ तुम थीम आउ ये पर्टिकुलर कथ कह सर्च कमिटी कथ जी ये भी तुमकर पाँच जन हूँ मेम्बर रही था मैंने चूज करने कारण से एफर्ट लगे जहाँ भी रिसोर्स लगे तो यही सब जिनस को खोजापी ही लगे ठीक अच्छे तो तांकर जो एलिजिबिलिटी जो रही थो से पर्टिकुलर लोक मानक से जनईबे दैट इज रही सिलेक्शन कमिटी हाथ आउ सिलेक्शन कमिटी पूरा डायरेक्टली जब आम देखा कम हो मानने पर्टिकुलरली हूँ चूज कर पाँच जन का भितर किए हूँ बेस्ट हो पार हो टाइप ऑफ चीफ इलेक्शन कमिशन ओके तो आई थिंक हूँ ये क्लियर रहा तो इश्यू कौन रोचे ये कह पूरे ओके तो देख इश्यू कौन ये पढ़ा हे सिलेक्शन कमिटी कौन कह चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट तो क्या द्वारा हूँ समस्त जान प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्या रिकमेंडेशन सिलेक्शन कमिटी रिकमेंडेशन रो डायरेक्टली तुम क्वेश्चन रोक ये ईयर पर कहूँ
कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन माने कमिटी कथा पचारि दबो बुझि होचे आ एआर बा ए पार्टिकुलर सिलेक्शन कमिटी रो तुमर होचे हेडेड कहा द्वारा इते बा चेयर पर्सन किए बोली भी पचारा जाई परे क्वेश्चन तो कंपोजिशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके एगन कोइ दउचे एटे कोन होबो ना प्राइम मिनिस्टर जे चेयरमैन भाव रे रहिबे ओके स्टेटमेंट 1 रे दिया आइतबो स्टेटमेंट 2 रे दिया आइतबो ऑप्शन ए बढ़िया थिबो ओके द देखो ये होचे पार्टिकुलरली चेयरमैन रहिबे देन लीडर ऑफ अपोजिशन बा लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बा पीएम को द्वारा जे भी माने हमर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर तो प्रॉब्लम कौन होचे प्रॉब्लम तुम्हें तो जानी छो एबे को बढ़िया हालत रे होचे माने अपोजिशन पार्टी ठीक होचे त माने जदि हमें देखिबा मिनिमम एयर काम जदि हमें नगण्य धरिबा ताहले कौन हो मते को तो मेनली होचे ये भी तो यूनियन मिनिस्टर भी अंडर आसी होचे तो गवर्नमेंट सरकार अंडर ठीक होचे ये भी तो से करंट हमर रूलिंग सरकार अंडर चल जाउचे तो ता माने होचे कहिबा कथा इटे सिंपल ए भी जो सिलेक्शन हो किए भी चीफ माने सिलेक्शन कमिटी रे किए चीफ इलेक्शन कमिशनर तुमर हो सी भी डायरेक्ट रूलिंग गवर्नमेंट हाथ में रही है ठीक अच्छे तो ये हूँ थिला कथा बुझे आउ सर्च कमिटी कथा कहली सी एगेन भी तुमको पचार सर्च कमिटी हेडेड बाय कहा द्वारा तो माइंड रख सिलेक्शन कमिटी जे भाई कहली कौन चेयरपर्सन हो पीएम कथा कहले सर्च कमिटी जदि पचारा जाए ये हेडेड बाय दैट इज रोचे ये देखिपार मिनिस्टर ऑफ हूँ लॉ एंड जस्टिस सिंपल बुझे ता सहित सहित जी आम देखा आहरी भी दुईज मेम्बर रे जे मैंकटा के बिलो हेनी गोटे सेक्रेटरी लेवल रु बुझे हुचे तो यही हूँ दुईज हूँ माने मेनली देखा सर्च कमिटी ये तुम हेडेड है बुझेगा तो ये हूँ प्रोब्लेम कौन होता मुझे भाया कहली एम कम कौन एम इफोर्ट लगे रिसोर्स लगे विभिन्न प्रकार जिनस लगे ये पाँच जन का सपोज कि छज से मैंने लिस्ट देले क्या दे सिलेक्शन कमिटी को दे तो ये सिलेक्शन कमिटी तो आ गोटे जिनस मानने सिलेक्शन कमिटी ता इच्छा कथा तो हुए तो भी एम भितर भी क्या न करे निज आउ भी क्या भी सी नहीं भी सीटे करदेपे मानने चीफ इलेक्शन कमिशन भाव में बुझे हुए तो ये हूँ कथा मानने कौन एम जितक भी सर्च कर इफोर्ट लगे रिसोर्स लगे जहाँ भी मानने एफोर्ट लगे कि भी से दे गुड़ा तो सीटा भी आईदार ये एक्सेप्टेबल न होकर भी बाहर भी आ गए क्या भी सेपरेंगे बुझे तो प्रॉब्लम कौन होता ये जिनसटा से हीपाई ये कंपोजिशन कौन कहले ना अगेन देख ये सिंपल कथा कह जाए ये देख देरी हूँ पार्टिकुलर वेरी वेरी इंपोर्टेंट केस 2023 केसटा देटी जाऊँच अनूप हूँ बनरवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 सिंपल ये सुप्रीम कोर्ट पार्टिकुलर लिखा है देखो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द चीफ इलेक्शन कमिशन एंड इलेक्शन कमिशन विल बी चूजन बाय ए कमिटी कंप्राइजिंग से कमिटी किए भाया बेसीस चूज कर जे भी बेसीस कमिटीटा रही कमिटी किए किए मेम्बर रे क्या कही देट इज रोच केस्रे ना पार्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर रहिबे लीडर ऑफ अपोजिशन रहीपारे ओके एंड किए रही ना दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किंतु या को हटे दिया गला क्लियर तो ये माइंड रे जो जगह इश्यू रोचे पार्टिकुलर स्टेटमेंट तुम क्वेश्चन में भी से भाया देखापी पाइब सिंपल ओके देन आउ तले भी लिखाई किसी जिनस लिखाई ना द जजमेंट स्टेटेड दैट दैट दिस कमिटी वुड मेक रिकमेंडेशन एंड एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन इलेक्शन कमिशन अपॉइंटमेंट अंटिल until parliament enacted a separate law on सब्जेक्ट ओके तो डेफिनेटली जदि मुझे कहि ये पार्टिकुलरली आम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटेद मानने ये हूँ बेसिक स्ट्रक्चर उपर हन नौ ठीक अच्छे तो ये हूँ कथा सिंपल बुझे तो ये हूँ कौन दि जाए एलिजिबिलिटी से कौ बेसीस से मैंने जो ये पार्टिकुलरली आम सिलेक्शन कमिशन गला कि सर्च कमिटी गला तो एलिजिबिलिटी कौन रही दरकार देखा द एक्ट स्पेसीफाई फलोईंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हूँ चीफ इलेक्शन कमिशन एंड इलेक्शन कमिशन तो कौ मैंने पारे जो लोक से द पर्सन हू आर होल्डिंग और हैव हेल्ड ए पोस्ट हूँ इक्विवेलेंट टू रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू दि गवर्नमेंट इंडिया डेफिनेटली बुझे हुचे तो सेक्रेटरी रैंक रे मैंने भी होते से आईदार भी करेन्ट पोजिशन सीट रे भी थे कि जदि भी से पोजिशन रही थे भी तो से जी आम देखा
ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଏଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଭାବରେ ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଲୋକ ହେଉଛି ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ହେଇଥିବା ଦରକାର ବୁଝିହେଉଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କ'ଣ ଏଠି ମୁଁ କହୁନି ଅନେଷ୍ଟି କ'ଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କ'ଣ ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ବୁଝେଇଛି ଓକେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଦେଖିବ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଦେନ୍ ହୁ ହ୍ୟାଭ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ନଲେଜ୍ ବି ରହିଥିବ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ହେଉଛି ତୁମର ଯଦି ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କିଛି ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଭଳିଆ କରାଯିବ ସେ ୱେରେ ତାଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ତୁମ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଓକେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ପଚରାଯିବ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେ ସିମ୍ପଲ୍ ସାଲାରୀ ଏଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଏଣ୍ଡ ରି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ପଚାରିବ ଯେ ରି ଦେଖିବ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1, 2, 3 ଏଇଭଳିଆ ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ପଚାରିଦେବ ଯେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କିମ୍ବା ଅଦର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ସେଲ୍ ବି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ରି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ବୁଝିହେଉଛି ତ ଦେଖ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ସେ କହେ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଭୁଲ କହିବ ବୁଝିହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ରୁହେ ଦେନ୍ ହେଉଛି ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ଏ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଇଏଏସ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଲିଟି ସେକ୍ସନ୍ର ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ରହିଥାଏ ଯେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଦର କମିଶନ୍ ସେଲ୍ ହେଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ଏ ଟର୍ମ ଅଫ୍ କେତେ 6 ଇୟର୍ ଏ ତ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ପୁଣି ଇଏ କହିବ କେଉଁ ଡେଟ୍ରୁ ଯେ ଡେଟ୍ରୁ ସେମାନେ ଜଏନିଂ କଲେ ସେଇଠୁ ହେଉଛି ଗଣାଯିବ ନା ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ସେମାନେ ଅଫିସରେ ମାନେ ସେଇ ଡେଟ୍ରୁ ହିଁ ଗଣାଯାଏ ଏଭଳିଆ ବି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହେ ଆଉ ଅପ୍ ଟୁ କେତେ ଯାଏଁ କରିପାରିବେ 65 ଇୟର୍ ଯେ ବୁଝିହେଉଛି ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ତ ଇଏ ବି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ବୁଝିହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା ଦେନ୍ ହେଉଛି ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ବି କହିଦେବି ଦେନ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଆଉ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର୍ ବା ସିଇସି କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ବି ରିମୁଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍ ଇନ୍ ଏ ମେନର୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିମିଲାର୍ ଇନ୍ ଦେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଯେଭଳିଆ ୱେରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ହେଉଛି ଜାଣିଥିବ ତାକୁ ରିମୁଭାଲ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ରିମୁଭ୍ କରିହେବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଓକେ ଦେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଫିସ୍ ଆଣ୍ଟିଲ୍ ଦ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କାହାର ଦରକାର ଯଦି ପଚାରେ ଯେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ପିଏମ୍ କିମ୍ବା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲେଖିଦେଇଥିବ ବୁଝିହେଉଛି କିମ୍ବା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ଜଜ୍ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ମାର୍କ କରିବ ତ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ରହିଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଓକେ ଦେନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର୍ ଅର୍ ଏନି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ମେ ରିଜାଇନ୍ ଏଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଇପାରିବେ ବାଇ ରାଇଟିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୁଝିହେଉଛି ଲେଟର୍ ଦେନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା କଥା ଆଉ ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ତୁମର ଇଏ ତ ବେଶୀ ଯଦି କରେଣ୍ଟରୁ ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି କହିଦେଲି ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ରହିବ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କମିଟି ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମେନ୍ଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ଆସିଯାଇପାରେ ଏଇ ଇୟର୍ କଥା କହୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଓକେ ଦେନ୍ ଯଦି ବି ତୁମକୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଏ ବି ଆଗରୁ ତୁମର ପଢ଼ିସାରିଛି 324 ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଯେଉଁ କହୁଛ 324 ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଇଏ ହେଉଛି ପଚାରିସାରିଛି ଓକେ ଯଦି ବି ପଚରାଯିବ ତୁମକୁ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ତ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବା ଇଏ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡ଼ି ନା ନାହିଁ ତୁମେ ଏଗେନ୍ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରୁହେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ ଫାଲତୁ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମର ରହିଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିହେଉଛି ତ ଏଇ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା କହିଦେଲି ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ପଚରାଯାଏ ଏଇଠି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ବେଶ ଉପରକୁ ଯଦି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଯିବ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ କହିବ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇସିଆଇ ଇସିଆଇ କେଉଁ କେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ବୁଝିହେଉଛି ଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ପଚାରିବ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଆମର ଯଦି ଆମେ ମେନ୍ଲି ଦେଖିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ଇଏ ମାନେ କେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ମାନେ ସେଠି ଇଏ କରିଥାଏ ଓକେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ଟା ସେଇଠି ତ ଇଏ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ଦେଖିବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ ଇଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦେଉଛି ଲୋକସଭା ଓକେ ଇସିଆଇ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା କରେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ କୁହ ଦେନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଗୁଡ଼ା ବି କରେ ଓକେ ଦେନ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯଦି ତୁମକୁ ସେଇପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଯଦି ପଚାରେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର୍ ଓକେ ଦେନ୍ ହେଉଛି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଉ କହୁନି ଆଉ ଯଦି ବି ନ ଜାଣିଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ଏଗେନ୍ ଟିକେ ରିଡ୍ କରିଦେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରିକ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ତ ଇଏ ସିମ୍ପଲ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା ଦେନ୍ କନ୍ସର୍ନ ଗୁଡ଼ା ହାଇଲାଇଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କନ୍ସର୍ନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଗେନ୍ କହିଦେଲି ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲି ଯେଉଁ ଅନୁପ ବନୱାଲ କେସ୍ କଥା କହିଲି ତ ସେଠି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ କରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କମିଟି ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍
ओके प्रथम पॉइंट सेकंड आउ कौन इश्यू रोचे वैकेंसी इन सिलेक्शन कमिटी वैकेंसी रोचे बुझे हो देन थर्ड आउ कौन रोचे ना अंडरमाइनिंग द रोल ऑफ सर्च कमिटी आउ अगेन कहूनि बुझे हो निजे सेल्फ स्टडी रिमेनिंग जिनस कर फ्रीली पीडीएफ अवेलेबल अच्छे ऑफिशियल वेबसाइट को चल जाए ओके देन एटी जदि देख लिमिटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन लैक ऑफ होची पायरेटी इन होची रिमूवल ऑफ सीसी एंड ईसी कथा कहूँ ओके देन साइलेंस ओवर कौ जगार साइलेंस ना पोस्ट रिटायरमेंट जॉब बुझे होती जिनसर हो कनसर्न गुटा रोचे ये तुम रोचे मेन्स डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन रोक किसी प्रोब्लेम नहीं आईदे जो भाई भी बुझे पढ़ले भी कि नहीं आराम सिलेक्शन कमिशन सिलेक्शन कमिटी हेज ए मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे व्हिच मे अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द ईसीआई डेफिनेटली द एक्ट दिस हाँ द पर्टिकुलर एक्ट जब हमें कहवा ड्रॉप द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द सिलेक्शन कमिटी ठीक अच्छे से कथा कहली मुझे अगेन कहली ओके देन एज ए रूल बाय हूँ जो जिनस कहुला कौ केस ना अनुप बनरवाल केस जो 2023 कहुला भी एआरसी कौन विभिन्न प्रकार से भी न्यूज ये सब जिन तुम्हें जो मैंने भी हिंदू न्यूज पेपर जो आनालीस गुटा देखु थो जो मैंने जापार थो यू जिन प्राय आसे ठीक अच्छे देन वैकेंसी इन हूँ सिलेक्शन कमिटी द एक्ट अपलोड द वैलिडिटी ऑफ द सिलेक्शन कमिटी इवन इफ देयर इज ए वैकेंसी और हाँ डेफिनेटली डिफिट इन हूँ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कमिटी सिंपल एक कथा कहु द पोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा मे बी वैकेंट इफ द लोकसभा इज डिजल्व जब डेफिनेटली डिजल्व होगा मैंने ही तो वैकेंट रही ठीक अच्छे एक कथा कहुचे देन सिलेक्शन कमिटी विल एक्जिस्ट एक्सक्लूसिवली प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन कैबिनेट मैंने मनमुखी शासन टाइप आसीज जिनसा ठीक अच्छे ये कथा कहुचे तो अगेन ये जिनस रिमेनिंग जिनस तुम्हें पढ़ी पार कि वे फरवर्ड जब कहि आम जब ये पर्टिकुलर जिनस गोटे एथिकाल गोटे वे फरवर्ड दवा तो पर्टिकुलर कहीदे आ रिमेनिंग जिनस तुम्हें सब पढ़ी पार ओके ये कौन कहु देख वे फरवर्ड में आम कौन देवा जिनसा देखा ना डेफिनेटली आम कह गए बालांस कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी गोटे बैलेंस वे ना दरकार बैलेंस इन द सेंस तो ये भी तुम क्वेश्चन आसी सारी दिनेश जो गोस्वामी बा कमिटीटा ये भी क्या सहित रिलेटेड बोले आईएस रुम क्वेश्चन आसी सारी ये ओसीएस भी क्वेश्चन होबारपाई योग्य बुझे तो देट इज हूँ जो गोस्वामी कमिटी अन् इलेक्टोराल रिफर्म पर्टिकुलरली 1990 कथा देखा किंवा आम 2255 जदि आम देखा लो कमिशन रिपोर्ट कथा देखा एम रिकमेंडेशन कौन थी ना सिलेक्शन कमिटी फॉर चूजिंग सीईसी एंड ईसी इलेक्शन कमिशन शुड कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर देन लीडर ऑफ अपोजिशन देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम भी मैंने से जिनसा रिकमेंडेशन रही है बुझे तो डेफिनेटली आम यहाँ कहीपर तो गोटे कमिटी को लेकिन जो रिकमेंडेशन गुडा नहीं वे फरवर्डा जिते बड़े देव एनसन रत भी तुम्हें मेन सेन्स रईट सेसन गुटा जो नौ मुझे कहूँ भी बारंबार से तो से जगह से मोर हो एनसर वेटेजा यूनिक भी वेटेज भी रनसर रईट ये होता है देन पोस्ट हूँ जब आम देखा पोस्ट रिटायरमेंट कथा रईट से जो रिटायरमेंट पर गोस्वामी कमिटी जब देखो 1990 से कमिटी दैट इज पर्टिकुलरली हेड रिकमेंडेड दैट सीईसी एंड ईसी शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर बुझे तो से जिन उचित ना कारण गोटे कूलिंग पीरियड रहा दरकार ना ठीक अच्छे खाली तो जब रिटायरमेंट ने हेनी तो गोटे कूलिंग पीरियड देलापर से जिनस प्रति देखा जाए ठीक अच्छे तो ये कॉमन सेंस पॉइंट देन हूँ देखा आम एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेटिवेशन एगेन कौन कहला ना गोस्वामी कमिटी एंड ईसीआई हैव रिकमेंडेड एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट फॉर फंक्शनिंग ऑफ ईसीआई ये कथा कहुच देन इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू ऑल द मेंबर ऑफ ईसीआई ओके तो ये हूँ किए ना 255 तुम जब लो कमिशन रिपोर्ट देखा किंबा आर्टिकल जो आम 324 क्लोजर 5 कथा जब आम पर्टिकुलरली देखा कॉन्स्टिट्यूशन रहा ये हूँ से जिनसा कहूँ पर्टिकुलरली शुड बी अमेंडमेंट टू इक्वेट द रिमूवल प्रोसीडियर ऑफ द ईसीज विथ द सीईसी तो कौन कमिशन जो तुम कौन इलेक्शन कमिशनर किंबा चीफ इलेक्शन कमिशनर रिमूवल प्रोसेसटा को वन टाइप इक्वेट करो समान करो तो डिफरेंट तुम्हें कमी ना चलुच ओके तो ये हूँ रिकमेंडेशन किसी थिला तो बेसिक बेसिक जिनस कहीदेली देन हूँ आम नेक्स्ट हूँ देखा कौन दैट इज हूँ प्रेस एंड जो रजिस्ट्रेशन ऑफ हूँ जब आम देखा पीरियडिकल एक्ट हूँ 2023
थ्री ओके तापूर्वर हूँ गोटे कथा जब भिड भल लगुए निज सांग सहित सेयार कर चैनल को जो मैंने प्रथम थर पर विजिट कर डेफिनेटली सब्सक्राइब करने भूलने ओके आस सहित तुम विभिन्न प्रकार आईदार एथिक्स क्लास हो आईदार प्रिलिमिनरी रिलेटेड हो तुम हो टेस्ट रे विभिन्न प्रकार अच्छी प्ले लिस्ट रे ओके तो से सब जा देखिपर एगेन हूँ इकोनोमिक्स क्लास विभिन्न प्रकार चली तो जा देखिपर ओके ठीक अच्छे थैंक्स फॉर वाचिंग।